सो वॉट इज अप गाइज, आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे। माय नेम इज आदित्यराज एंड यू गाइज आर वॉचिंग आदित्यराज व्लॉग्स। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम थोड़ा आए हुए थे ICICI बैंक तक, थोड़ा हमें बैंक में काम था एंड अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं, थोड़ा हम चलते चलते बात करते हैं आपसे। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हम जा रहे हैं अपने कॉलेज एंड आज हम कर रहे हैं मोटो व्लॉग भी, मोटो व्लॉग यानी नॉर्मल व्लॉग भी कर रहे हैं एंड मोटो व्लॉग भी होगा एडेड, तो थोड़ा व्लॉग भी बड़ा हो जाएगा एंड आप लोग को भी देखने में मज़ा आएगा। तो यही कुछ सीन्स है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने कॉलेज की तरफ एंड आज हम थोड़ा लेट जा रहे हैं कॉलेज, अभी हो रहे हैं 11:17 एंड हम ऑलरेडी लेट जा रहे हैं क्योंकि जो मेरी पहली क्लास होती है वो होती है 10:15 पे, बट आज मैं 11:45 वाली जो क्लास है फर्स्ट उसको मैं अटेंड करूँगा क्योंकि जो मेरी पहली दो थी वो अटेंड करने का मेरा मन नहीं था, इसलिए मैं नहीं आज जल्दी, बट आज हम थोड़ा लेट जा रहे हैं एंड लेट जाके आज वो वाली क्लासेस अटेंड करेंगे क्योंकि वो वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं एंड अभी हमारा थोड़ा बैंक वगैरह काम था जो कि हो गया है, होपफुली बहुत ही जल्दी हो गया, मुझे लगा नहीं था कि बैंक का काम मेरा इतने जल्दी हो जाएगा बट हो गया। एंड अब हम जा रहे हैं कॉलेज और काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग भी नहीं किया था एंड और जो मेरा पिछला मोटो ब्लॉग था, लास्ट मोटो ब्लॉग जो मैंने किया था, थैंक यू फॉर गिविंग सच अ गुड रिस्पॉन्स इन दैट ब्लॉग एंड लोगों के बहुत से कॉमेंट्स आए कि बहुत ही सही मोटो ब्लॉग है, ऐसे ही करते जा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड अब मैं वही कोशिश करूँगा कि अब मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोटो ब्लॉग बनाऊँ एंड आप लोग को डिलीवर करूँ, आप लोग देखो उसे, तो आप लोग को भी देखने में ताकि मज़ा आए, क्योंकि लोग बोल रहे थे बहुत ही अच्छा बनाया, तो अब और भी ज़्यादा बनाएंगे मोटो व्लॉग्स, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो जो भी हमारे चैनल पे नया है प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। मेरा नाम आदित्यराज और आप देख रहे हैं आदित्यराज व्लॉग्स, मैं हूँ एक स्टूडेंट। तो यस यही कुछ है और मैं बनाता हूँ डेली व्लॉग्स अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में, तो बस यही कुछ है। सिग्नल भी हो गया है अभी ग्रीन, सिग्नल पर रुके थे हम एंड अब वो ग्रीन हो गया है तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। यार आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रही है मेरे को क्योंकि ना 11 बज चुके हैं, रेगुलर जब मैं 9:30 बजे जाता हूँ तो उतनी भीड़ रहती नहीं है बट आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ हैगी, तो कोई ना चलते हैं, भीड़ भी देख लेंगे अपन, थोड़ी बहुत झेल लेंगे भीड़ को भी, क्या ही है भीड़ भी चल जाएगी। ये यहाँ पे यार रोड बन रही है, शिट गलत आ गया आज अपन यहाँ से, बहुत रश रहेगा, बट अच्छा है रोड बन जा रही है, यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को मोटो ब्लॉग कैसे लग रहे हैं और अगर आप लोग और ऐसे मोटो ब्लॉग्स चाहते हो या कुछ ऐसे कंटेंट चाहते हो किसी और चीज़ के बारे में, मैं ज़रूर बनाऊँगा, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना तो मैं उस पर भी वर्क करूँगा, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, हफ्ते में एक नहीं हफ्ते में 2 या 3 तो डाल ही दूँ, बट वही प्रॉब्लम है टाइम नहीं मिल पाता है हमें, शूट तो कर लेंगे बट एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है उतना ज़्यादा, तो वो एडिट हो नहीं पाती है, बट अब कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाएँ क्योंकि एक्टिव रहना है यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम तो बिल्कुल डेड हो चुका है, वो इंस्टाग्राम नहीं वो रील्स्टाग्राम बन चुका है, तो वहाँ पे तो अगर आप रील्स बना रहे हैं तभी आप चल पाएंगे, बाकी फ़ोटोज़ फोटोग्राफी रिलेटेड कंटेंट में तो आप नहीं बढ़ने वाले हैं, ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है हमें क्या, बाकी लोगों को भी रियलाइज़ हो चुकी है कि तो सभी लोग अब रील्स पे जा रहे हैं, बट रील्स पे क्या ही दिखाएंगे यार, क्या ही करेंगे, या मेरे को साइड में रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो रूलर है ड्राफ्टर है वो सब शायद गिरने वाला है बिल्कुल, तो वो सही करना पड़ेगा। यार मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ ये रोड आफ्टर से, ये ना गिरता है का बैग से, मतलब जगह हो नहीं पाती है इसकी, सेट अच्छे सेट नहीं हो पाता ये, पर डर रहता है कहीं गिर ना जाए रास्ते में, बहुत दुख है यार, बहुत ज़्यादा दुख है। अब हो चुका है ये सेट, अब हम चलते हैं, और आज हमारी ईडी की भी क्लास है तो आज वो अटेंड करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, वरना आज नहीं जाता मैं कॉलेज, बट ये क्लास अटेंड करनी है, तो चलो चलते हैं। सिग्नल सीधे जाने वालों के लिए ग्रीन है, आई होप सो कि व्यू अच्छा आ रहा होगा एंड आप लोग को वॉइस भी क्लियर होगी बिल्कुल, एंड अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको मैनेज कर लेना,
क्योंकि अभी हम ऑर्डर किया है हमने माइक, एक और कॉलर माइक, तो होपफुली वो एक दो दिन में आ जाएगा, और जैसे ही वो आएगा तो हम फिर उसे लगा के माइक व्लॉग करेंगे। बट अभी मैं ने अपना अभी मैं जो व्लॉग कर रहा हूँ उसमें माइक में मैं बोया का माइक यूज़ कर रहा हूँ, बोया BY MM1, तो उसकी थोड़ा रेंज कुछ ज़्यादा है, तो वो ना विंड की नॉइज़ को भी ले लेता है, एंड विंड की भी नॉइज़ आप लोग को आ जाती है कि वीडियोज़ में, जो कि पिछले वीडियोज़ में भी लोगों की शिकायत थी। तो अभी हमने कर तो दिया उस ऑर्डर दूसरे कॉलर माइक को, जो कि एक दो दिन में आ जाएगा, एंड जैसे ही वो आएगा तो हम उसे भी ट्राई करते हैं, एंड अगर उससे भी नहीं बात बनी तो हम कुछ और देखेंगे उसे कैसे ठीक करें, और भी कुछ ढूंढने उसका क्या कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, तो कोई और सा माइक लेंगे। बट अभी हाल फिलहाल अभी हम इसी माइक को यूज़ कर रहे हैं, इसी से मोटो ब्लॉग कर रहे हैं, तो बाकी आप लोग देख लेना। तो अभी अपन निकलते हैं कॉलेज के लिए जल्दी से, एंड बाकी क्या है, बाकी आप लोग सिनेमैटिक एंजॉय करो। तो चलो हाँ जी। तो भाई साहब वहाँ गए हैं कॉल, अरे भाई 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 थोड़ा देख के। हाँ जी, तो भाई साहब अभी हम आ गए हैं कॉलेज, कॉलेज के पास आ गए हैं, बिल्कुल कॉलेज पास में हैगा, तो अभी हम जाते हैं कॉलेज एंड देखते हैं कैसा क्या सीन है, क्लासेस देख अटेंड करेंगे क्योंकि अटेंड करना है अभी क्लासेस। लेकिन आज हम थोड़ा जल्दी है, लेकिन अभी हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, अगली क्लास में थोड़ा टाइम है, तो देखते हैं कैसा क्या करना है। एंड अभी मैं थोड़ा कैमरा निकाल दूंगा, अंदर तक नहीं लेके जाऊंगा कैमरा लगा के, क्योंकि मेरे को लग रहा है गार्ड मुझे रोकेगा, एंड हम वो सीन नहीं चाहते कि हमें गार्ड रोके और फिर रोक के जाना पड़े, इसलिए हम पहले कैमरा निकाल देंगे एंड देन उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा यहाँ साइड में खड़े होकर अपना कैमरा निकालेंगे, एंड ये है कॉलेज ज्ञान गंगा, ऊपर आ गया है कॉलेज, एंड ये रहा कॉलेज, सामने गार्ड्स खड़े रहते हैं, बैठे हैं जो कि बैठे हुए हैं अभी, हम इसलिए निकाल दे पहले कैमरा, ये अपन ने निकाला। तो अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रैक्टिस की क्लास थी जो कि कंप्लीट हो चुकी थी, तो हम लोग वापस जा रहे हैं अपनी क्लास में, एंड ये हमारे साथ लौंडे हमारे 24 घंटे व्लॉगिंग करते रहा कर। हाँ करूँगा, तेरा क्या जा रहा है, क्लास जा रहे हैं, हाँ शायद 20 तरीके और हम वापस क्लास जा रहे हैं, फिर से क्लास अटेंड करेंगे, तो चलो क्लास चलते हैं। तो अभी हमारा लंच वगैरह हो गया, चिप्स वगैरह खा रहे हैं, और आज बंक कर रहे हम लोग सब लोग आज, तो अभी हम सब लोग आज केमिस्ट्री क्लास बंक कर रहे हैं, हमें अटेंड नहीं करनी है, तो अभी यही बैठेंगे अटेंडमेंट देखते हैं क्या करते हैं। बंक नहीं करनी है इसलिए बंक कर रहे हैं, इसलिए अटेंड नहीं करनी भाई, क्यों समझा रहे हो? हाँ तो वही बता रहा हूँ कि हमें बंक करना है बस, ठीक है। अरे ठीक है ना बस, बस सर बना ही नहीं रहा हूँ तो क्यों बोल रहा है। महीने भर में पहली बार आता हूँ, फिर बंक मार देते हैं। आता क्यों अबे तू, मत आएगा डायरेक्टर आता कर। तो अभी हमारा एक पीरियड हमने बंक कर दिया, बट अभी दूसरे में हम लोग क्लास जा रहे हैं, तो अभी वापस क्लास जा रहे हैं, वो अटेंड करेंगे।
तो अभी हमारी क्लास वगैरह कंप्लीट हो गई, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। एंड ये प्रसन्न आज मेरी गाड़ी चला रहा है, तो चलो चलते हैं। एंड ये बिना हेलमेट के चला रहा है गाड़ी। तो अभी हम लोग निकलते हैं क्योंकि अब हमारी क्लास वगैरह कंप्लीट हो गई, तो चलते हैं घर, क्योंकि जिम भी जाना है। तो चलो, हाँ जी। तो भाई साहब, अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी हम कॉलेज से आने का, तो हम आ गए हैं जिम, तो अभी हम चलते हैं जिम के अंदर एंड चल के अपनी वर्कआउट करते हैं। सो चलो चलते हैं बताऊँ। एंड बाकी क्या, आप लोग सिनेमैटिक एंजॉय करो। चलो तो अभी हमारा जिम वगैरह कंप्लीट हो गया एंड हम कॉलेज के बाद घर जाएंगे। घर जाने के बाद कुछ खा के हम सीधा जिम आ गए थे एंड अभी हमारी वर्कआउट वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। सो यही था हमारा कुछ आज का ब्लॉग एंड आई होप ये थोड़ा बड़ा बन गया होगा। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, एंड अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।